एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट टॉप्स हॉल, और ये सारे ही टॉप्स अंडर 500 रुपीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल टॉप्स है। और एंड में मैं एक कुर्ता सेट भी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने वाला है, सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखे। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आप में से कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फ्लिपकार्ट से अफोर्डेबल टॉप्स हॉल शेयर करने के लिए, सो हियर आई एम। फ्लिपकार्ट से पर्सनली शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उसमें लेटेस्ट अपडेटेड ट्रेंड्स मिलते हैं, वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन रहता है और डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट है। ऑल्सो प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होते हैं, एंड अगर आपको कोई भी कपड़ा लूज होता है या टाइट होता है तो आप उसे रिटर्न करने जाते हैं, तो रिटर्न में भी कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। दैट्स व्हाई आई पर्सनली लव शॉपिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस हॉल विद दिस ब्यूटिफुल वाइट टॉप, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, और मैंने इसे फ्लिपकार्ट पे देखा और इतने अफोर्डेबल रेट में आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड, और मुझे लगा इसकी जो क्वालिटी रहेगी वो तो मुझे चेक करना ही है, एंड द क्वालिटी इज सुपर्ब। ये जो स्लीव्स है ना, ये पफ स्लीव्स, इस तरीके का टॉप्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये वाइट कलर में है, तो वाइट कलर काफ़ी वर्सेटाइल होता है, आप इसे किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, किसी भी आउटफिट, किसी भी शूज के साथ। इसके जो पफ स्लीव्स है, ये जो पोर्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एक मटेरियल है, ये कॉटन नहीं है, सिंथेटिक मटेरियल है, बट बहुत सॉफ्ट है और ये पफीनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। रिस्ट पोर्शन में यहाँ पर टी शर्ट मटेरियल, जो रिप्ड टी शर्ट मटेरियल होता है वैसा है, और इतना ये लंबा है तो ये रिस्ट पोर्शन को भी काफी अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। मुझे इसका जो डिजाइन है, इसका जो फिटिंग है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, एंड रिप्ड टी शर्ट काइंड ऑफ है इसका ऑल ओवर बॉडी। नेकलाइन में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाई नेक पैटर्न में है, क्योंकि ये बॉडी हगिंग है, बट स्लीव्स इसके इतने ज्यादा पफी है, इट्स गिविंग इट अ वेरी नाइस रिच लुक। मुझे तो ये काफी क्लासी एक पीस लगा, एंड दिस इज माई फेवरेट फ्रॉम दिस एंटायर हॉल। और ये जो है, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। मैंने जहां से परचेज किया है वहां का ही मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप उस लिंक से परचेज जरूर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की मुझे एक और बहुत अच्छी बात ये लगती है कि अनबिलीवेबल प्राइसेस में इतने वैरायटीज के, इतने अच्छे खासे कलेक्शन, ट्रेंडी लेटेस्ट डिजाइन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये, अगेन ये बहुत ज्यादा एक ट्रेंडी पीस है, इसमें इस तरीके का स्क्वायर शेप वाला नेक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा इलास्टिकेटेड है बस्ट पोर्शन में, इट लुक्स सो क्यूट, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये आप शॉर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, ये आप जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। एंड पीछे यहाँ पर एक नॉट है, जहाँ पर पॉम पॉम है पिंक कलर की, तो ये वाला पोर्शन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें ये जो पॉम पॉम है ना, ये ब्राइट पिंक कलर में है, तो एक पॉप ऑफ कलर मिल गया है। इसमें दो कलर्स अवेलेबल थे, ये वाला ब्लूइश में था, ये थोड़ा सा प्रिंटेड पैटर्न में है, जो कि काफी क्यूट एक वाइब दे रहा है। और इसमें यहाँ पर बस्ट के नीचे पोर्शन से ना, यहाँ पर इस तरीके का रफल्स टाइप्स है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड इसमें फुल स्लीव्स आते हैं, और स्लीव्स में भी यहाँ पर इस तरीके का रफल दिया गया है, सो दिस इज अ वेरी क्यूट पीस। बट हाँ, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके के टॉप्स ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट बस्ट एरिया पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, नीचे के पोर्शन ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसके नीचे कोई स्पगेटी जरूर पहनना पड़ेगा। बट इट ओवरऑल इट लुक्स सो क्यूट, सो क्लासी, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और हाँ, मुझे पता है आप सब मुझे पूछेंगे कि ये वाला जो टॉप है, ये मैंने कहाँ से लिया, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है। एंड ये जो टॉप है, ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मुझे ये फ्लिपकार्ट पे मिल गया। इसका जो मटेरियल है वो नेट का है, बट इट इज सो सॉफ्ट, बिल्कुल भी पहनने पे ना बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। सो और ये जो रेड कलर है, मरून टाइप्स रेड कलर, ये मुझे इसी कलर में चाहिए था, एंड आई वॉज सो मच स्केप्टिकल, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्राइट रेड में ना आ जाए, बट ये बिल्कुल जैसा मैंने वेबसाइट पर देखा था ना फ्लिपकार्ट पे, वैसा ही ये आया, एकदम मरून, डार्क मरून कलर में, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये कलर मेरे ऊपर काफी सूट करता है। तो ये जो टॉप है,
इसे आप एज अ ऑफ शोल्डर टॉप जैसे मैंने पहना है वैसा भी आप पहन सकते हैं। आप इसे चाहते हैं तो नॉर्मल जो ऐसे टॉप्स होते हैं वैसा भी स्क्वायर शेप्ड नेकलाइन बनाकर आप इसे पहन सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर इसे चेंज किया। आप इस तरीके से भी इसे पहन सकते हैं, ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ से भी पहन सकते हैं। इसका जो स्लीव्स है ना वो पूरा नेट का है। हाँ, इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। ये आप शॉर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, आप जीन्स के साथ, स्कर्ट, डेनिम स्कर्ट के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सो आई थिंक ये इतना ज्यादा ट्रेंडी पीस इतने अफोर्डेबल रेट में आपको डेफिनेटली चेक करना है। नेक्स्ट मैंने एक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ ड्रेस लिया है जो कि इस तरीके का है, और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका कलर है, ब्राइट कलर है। फ्रंट पोर्शन में आप यहाँ पर नॉट भी टाई कर सकते हैं। एंड इसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, येलो था, रेड था, बट मुझे ये वाला कलर काफी अनकॉमन दिखा। एंड ये आई थिंक मेरे पे अच्छा ही दिखेगा। इसके स्लीव्स में भी आप देख सकते हैं इस तरीके का रफल डिटेलिंग है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लूज है, बट इसकी यही खासियत है कि पीछे ना यहाँ पर स्ट्रैप दिया गया है जिसे कि आप पीछे टाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत खूबसूरत एक फिटिंग दे रहा है, वेस्ट रीजन पर एकदम टाइट हो रहा है, नीचे के पोर्शन एक फ्लेयर आ रहा है, स्लीव्स में भी थोड़ा सा फ्लेयर है, तो काफी खूबसूरत एक पीस है। ये गर्ली सा लुक दे रहा है। इसे आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है वन पीस पहनने से तो आप इसे लेगिंग्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं, इट विल लुक ऑसम। आप इसे एंकल लेंथ जीन्स के साथ और व्हाइट स्नीकर्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, आप अपनी तरह से इसे पेयर कर सकते हैं, इट विल लुक अमेजिंग। ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एक पीस है। नेक्स्ट मैंने ये ब्लैक कलर का बेसिक टॉप लिया है जिसमें एक साइड पे ऑफ शोल्डर स्टाइल है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें फंकी सा लुक दिया है और एक सिंगल स्ट्रैप भी है। तो ये जो टॉप है ये मेरा मैंने एम साइज में लिया था क्योंकि मैंने साइज चार्ट ऑलरेडी चेक किया था। तो जब भी आप कोई परचेज करें आप साइज चार्ट एक बार चेक जरूर करें अपना साइज कौन सा है, क्योंकि मैं जनरली एस पहनती हूँ, बट इसका साइज चार्ट जब मैंने चेक किया तब मुझे लगा कि मुझे एम लेना पड़ेगा, तो मैंने एम लिया एंड दिस फिट्स मी अमेजिंगली। और इसके जो स्लीव्स है वो फुल स्लीव है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। ऑल ओवर बॉडी ये एकदम सिंपल है, प्लेन टी शर्ट काइंड ऑफ है, बट इसके नेकलाइन की वजह से इट लुक्स सो ऑसम। और मेरे वीडियोस के लिए मुझे जिसका नेकलाइन थोड़ा सा डिफरेंट है वही चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली इतना तक तो दिखता है वीडियोस में, दैट्स व्हाई। गाइज, नेक्स्ट आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड दिस पेयर ऑफ स्निकर्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, और ये जो पेयर है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा है, मुझे एक साइज छोटा मंगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ इसे मैं रिटर्न कर दूंगी, एंड इसके बजाय मैं इसमें कई सारे कलर ऑप्शंस थे तो मैं दूसरा एक कलर ऑर्डर करूंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फ्लिपकार्ट पे रिटर्न पॉलिसी बहुत ज्यादा फास्ट है एंड बहुत ज्यादा हैसल फ्री है, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछेगा, कोई हैरेसमेंट भी नहीं होगी। सो आई लव द रिटर्न पॉलिसी। ये थोड़ा सा मुझे लूज आ रहा है तो एक साइज में छोटा इसमें ले लूंगी और कोई दूसरा कलर में ले लूंगी इस बार। नेक्स्ट मैंने ये वाला लिया, ये एक कुलोट है और ये लाइट पिंक कलर, पेस्टल पिंक कलर में है, बहुत ही खूबसूरत इसका मटेरियल है, कॉटन है, सॉफ्ट है, ऐसा तो मुझे लग रहा है कि ये खादी का मटेरियल है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल इसका मटेरियल है। और फ्रंट पोर्शन में ना आप नॉट भी टाई कर सकते हैं विच लुक्स सो गर्ली, और इसके साथ आपको इन करके कोई टॉप पहनना पड़ेगा तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये हाई वेस्टेड है और पूरा एंकल लेंथ इसका फिट है, इसका फिटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपकी पेयर शेप्ड बॉडी है तो आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा, आप इस तरीके के कुलॉट्स, इस तरीके के वाइड लेग पैंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। आपका जो साइज है उससे एक साइज ज्यादा आपको ये वाला परचेज करना पड़ेगा। जो लास्ट पीस है वो है ये कुर्ता सेट, ये येलो कलर का कुर्ता सेट है जिसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बट ये कॉटन, प्योर कॉटन मटेरियल नहीं है बट काफी कंफर्टेबल मटेरियल है। सिंपल प्रिंटेड एक कुर्ता है जिसमें, जिसके स्लीव्स में आप इस तरीके के स्ट्रैप्स लगे हुए हैं जिसे आप टाई भी कर सकते हैं, एंड इट लुक्स सो गर्ली। इसका जो फ्लेयर है वो भी काफी अच्छा लगा मुझे, स्ट्रेट कट है बट थोड़ा सा फ्लेयर है इसमें। एंड इसके साथ जो ये पैंट आया है ना, ये स्ट्रेट कट पैंट है, एंकल लेंथ है, और इसकी जो फिट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया।
ये भी कॉटन मटेरियल नहीं है बट बहुत सॉफ्ट है ये मटेरियल, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, इलास्टिक है और यहाँ पर थोड़ा सा स्लिट है नीचे के पोर्शन में, एंकल लेंथ है ये, तो स्लिट अच्छा लगता है। इसका फिट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा है एंड ये प्योर वाइट में है तो मैं किसी भी दूसरे कुर्ता के साथ इसे पेयर कर सकती हूँ। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल। ये जो फ्लिपकार्ट हॉल है ये अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और इसी तरीके के हॉल वीडियोस आप नेक्स्ट कौन सा देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिएगा। आज के लिए कहीं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप इट स्टाइलिश एंड बाय।